भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जींद जिले में एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर पुष्प भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। वहीं बैठक में मौजूद भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 2019 से पहले बड़ी मोटरसाइकिल रैली की जाए, जो संख्या के हिसाब से पहले ना हुई हो। इसीलिए 15 फरवरी को जींद में रैली रखी जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने यह जानकारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए, युवाओं का जोश दिखना चाहिए, तो इसलिए खास करके युवाओं के जोश की दृष्टि से इस बात को रखा है कि बाइक रैली, और बाइक निकलेगी हर गली मोहल्ले से, बाइक निकलेगी, उस पर पुष्प वर्षा होगी, टीका लगेगा, चार छह मतलब एक बूथ से बाइक निकलेंगी, फिर एक शक्ति केंद्र पर इकट्ठी होंगी, शक्ति केंद्र से मंडल पर इकट्ठी होंगी, मंडल की 300-400 बाइक एक साथ चलेंगी, फिर विधान एक 3 या 4 मंडल मिलाकर एक विधानसभा है, तो एक विधानसभा में अभी तक हमारे कैलकुलेशन से 1111 ऐसी संख्या पर विधानसभा आती है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। जब विधानसभा के अनुरूप जब रैलियां निकलेंगी तो पूरे हरियाणा में, हरियाणा के कार्यकर्ताओं में, हरियाणा की जनता में भारतीय जनता पार्टी का मैसेज जाएगा। प्रधानमंत्री जी को अपना सजेशन दिया है, देश भर में क्या स्थिति बनती है उस पर निर्भर करें। देखिए, हरियाणा में पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है। हमारी पार्टी ने जो, जब हम बूथ की रचना की बात करते हैं पूरे देश भर में और हरियाणा में इसकी शुरुआत करते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि पार्टी को लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हर बूथ स्तर तक पहुंच गई।